दोस्तों गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला बेहद ही धमाकेदार रही। खेल के शुरुआत से ही रोमांच की कोई कमी नहीं थी। टॉस हारने के बाद लखनऊ की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तब खेल के पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंद से केएल राहुल को चलता किया। राहुल शून्य के स्कोर पर चलते बने लखनऊ की टीम इस झटके से उभरी ही थी कि शमी ने क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद लखनऊ की टीम पूरी तरह से दबाव में थी और ये दबाव के चलते टीम ने और दो विकेट गवा दिए। केवल 29 के स्कोर पर लखनऊ ने अपने चार बल्लेबाजों को खो दिया था। गुजरात ने पूरी तरह से धावा बोल दिया था। इसके बाद दीपक हुडा और आयुष बडोनी ने पारी को संभालने की कोशिश की और 10 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 47 पर 4 विकेट था। दीपक हुडा ने शानदार अर्धशतक जड़कर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। आयुष बडोनी के साथ हुडा ने 15 ओवर के बाद टीम के स्कोर को 109 तक पहुंचा दिया था। हुडा शानदार लाई में लग रहे थे और आखिरी 5 ओवरों में जबरदस्त वापसी कर टीम को 158 के स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहे। वही दोस्तों, मैंने आपको विंजो ऐप के बारे में बताया था जिसमें फैंटेसी टीम बनाकर मैंने काफी पैसे जीते हैं। आरसीबी और पंजाब के मैच में मैंने विंजो के एक्सपर्ट की मदद लेकर टीम बनाई थी जिसमें मैंने फैब ड्यूप्लेसी को कप्तान बनाया था, जिस वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। आप भी विंजो में इसका फायदा ले सकते हो। बस आपको एक्सपर्ट की टीम को सिलेक्ट करना है। इसमें जीतने के चांस भी ज्यादा है क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्ट की टीम जीती तो आप भी जीतेंगे। तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप और पाओ 50 रुपए बोनस कैश। इसके बाद जब गुजरात की स्कोर को चेस करने आई तब उनको उम्मीद थी कि उनकी शुरुआत अच्छी हो, लेकिन हुआ उसका उल्टा। टीम ने शबनम गिल के रूप में पहला विकेट गवा दिया। सिर्फ 4 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। शमीना ने एक विकेट तो जरूर झटकाया, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने विजय शंकर के रूप में लखनऊ को दूसरी सफलता दिलाई। गुजरात पूरी तरह से दबाव में थी, लेकिन इसके बाद जब कप्तान हार्दिक पांड्या आए उन्होंने वेट के साथ मिलकर पारी को संभाला और 6 ओवरों के बाद लखनऊ 43 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में भाई कृणाल पांड्या के गेंद पर आउट हो गए। आखिरी 20 गेंदों में गुजरात को 33 रन चाहिए थे और क्रीज पर मिलर और राहुल तेवतिया मौजूद थे। देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारती है। दोस्तों आपकी राय में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।